फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मेदू बड़ा बहुत ही आसान तरीके से। आइए चलते हैं बनाते हैं। छिलके वाली उड़द की दाल ली है मैंने, उसको पीस लिया है मैंने मिक्सी में बारीक बारीक। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, कटा हुआ हरे धनिया भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे, थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे इसमें। 2 चम्मच चावल का आटा भी डालेंगे इसमें, थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ भुना जीरा डालेंगे, थोड़ी चने की दाल को मैंने पीस लिया था ये भी इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के। इसको अच्छे से मिला लेंगे सारे पेस्ट को। दाल और मसालों को अच्छे से मिला लिया है मैंने। हाथों में पानी लगा लिया है और एक छन्नी ली है मैंने स्टील वाली बड़ी सी, इसमें भी पानी लगा लिया हल्का सा। गोल गोल करके इसके ऊपर रखेंगे दाल को इस तरीके से, बीच में छेद कर देंगे। इस तरीके से बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से मेदू बड़े बन जाते हैं, दिक्कत नहीं होती बनाने में। बस इसमें एक छेद कर लेंगे गोल सा। ये देखिए इसी तरीके से बनाएंगे हम इसको। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया, अब इसको इसी में डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से देखो कढ़ाई में चला गया है। मेदू बड़े को धीमी आंच पर तल लेंगे। ऐसे ही कढ़ाई में जितने बड़े आएंगे उतने डाल लेंगे। हल्के हल्के बड़े ऊपर आ चुके हैं, अब इनको पलट देंगे। बड़ों को मैंने अच्छे से उलटते पलटते पका लिया है, अब इनको निकाल लेंगे। अच्छे से सिक चुके हैं बड़े हमारे। इसी तरीके से कढ़ाई में और भी बड़े मैं डाल दूंगी और तल लूंगी इनको भी। ये देखिए दूसरी बार भी जो मैंने बड़े डाले थे वो भी अच्छे से सेकने वाले हैं, अब इनको भी अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए सारे बड़े हमारे सिक चुके हैं, अब इनको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। ये लीजिए हमारे मेदू बड़े तैयार हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले। मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है मैंने। आप इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करिए, बहुत ही आसानी से बन जाती है ये। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से क्रंची बने हैं, बहुत ही टेस्टी बड़े बने हैं। आप भी इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, और वीडियो को फुल वॉच करें।